कुछ और खास जगह दिखाते हैं आपको। इस बार इस जंगल में गवर्नमेंट ने बहुत सारा पौधे लगाए, देखते हैं पौधे कितना सक्सेस होते हैं, कितना चलते हैं। लेकिन फिर भी यार, जंगल तो जंगल है और जंगल में ही तो मंगल है। मैं बच बच के निकलूँगा, क्योंकि मेरे शूज, मेरे कपड़े सारे छिंचड़े होते हैं, जंगली कुछ पौधे होते हैं उनके कटीले कुछ ऐसे वो होते हैं जो एक बीज को दूसरे एरिया में एक दूसरे की तरफ हाय। खूबसूरत नज़ारे। चलो ये इस बार एक बार ये एरिया दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो पीछे एक साइड गहराई नाले की, दूसरी साइड दिखाऊं तो ये देखो। अरे अब इधर दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, यही तो जगह है जहाँ हाइना, लेपर्ड, शियार, शाही ये सब यहीं छिपे रहते हैं। लोमड़ी, हमारे यहाँ हाइना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे आज तक इस जंगल में कभी, ये मेरी कुछ नसीबी हो समझो या बदनसीबी, कुछ नसीबी तो इसलिए हो सकता है मिलने के बाद में वो मेरे ऊपर आक्रमण करने, और बदनसीब इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया आज तक किसी भी लेपर्ड की, किसी भी हाइना की। चलो यार एक बार ये नज़ारा भी देख लो, ये लो, पता नहीं कैमरे में कैसे आ रहा है, लेकिन बहुत गहरे, बहुत गहरे सामने। उधर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो लेकिन फिर भी मैं ऐसे दिखाते हुए चलता हूँ, पता नहीं अब कब किसको क्या नज़र आ जाए। हो सकता है मुझे नज़र नहीं आए कैमरे में, वो कैद हो जाए, आप लोगों तक पहुँच जाए। इसलिए जंगल में घूमना मेरा शौक है और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अब आप कहोगे कैसे चल रहे हो, ये जो जो आपको दिख रही है ना, ये एक छोटा सा ज़मीन का रास्ता, ये पगडंडी, एक लकीर, पगडंडी पग से चलने वाली डंडी यानी एक लाइन है। इसके ऊपर आप देखोगे इसी में से चींटियाँ जा रही हैं, इसी में से हम लोग जाते हैं, इसी में से जंगली जानवर भी यहीं से गुजरते हैं। ठीक है, भौंरे बहुत हैं लेकिन यार मुझे खेद है, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि इस जंगल में इन जानवरों के लिए, जो मैं आपको कई बार मेरे वीडियोज में बता चुका हूँ कि एक महात्मा पानी की व्यवस्था रखता है, और अब उस महात्मा ने भी पानी की व्यवस्था नहीं कर रखी है, तो अब वो जानवर, वो पिकॉक्स, वो वाइल्ड एनिमल्स, वो कैसे पानी पीते होंगे पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जगह जिस पानी के स्रोत को मैं आपको सैकड़ों बार दिखा चुका हूँ वो ये है दोस्तों। देखो ये देखो, ये वो जगह है, ये लेकिन अब बिल्कुल सूखी हुई है। माय गॉड, ये तो बहुत गलत है यार, बहुत गलत हो रहा है, यह पानी क्यों नहीं है। मुझे दुखी कर दिया इस चीज़ ने दोस्तों, इस चीज़ ने, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस जगह इस समय पानी की बूंद भी नहीं होगी। आज बाबा से कुछ वार्तालाप हो जाए, चलो जंगल बाबा की कुटी में चलते हैं। अब कुटी के नाम से एक तो आप ये मत समझा करो कि कुटी पहले जैसी कुटी होंगी, बाबा ने भी मकान महल बना रखे हैं, वो भी मज़े मारते हैं। चलो प्रभु, ये जंगली जानवर कहाँ से पानी पीते हैं। देखो ये देखो, इधर पहाड़ी, पूरा पहाड़ है, देखो ये खूबसूरत पेड़, कौन सा पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी देखो, ये देखो
ये देखो ये खूबसूरत नज़ारे, इस पेड़ के खूबसूरत नज़ारे। रात में भी इसको देखोगे तो बड़ा चमकीला दिखता है, वाइट वाइट फूल हैं इसमें। पता नहीं कितने प्रकार के पक्षियों के घोंसले होंगे, बच्चे दे रखे होंगे, क्योंकि इतने गहरे और घने जो बसे हुए पेड़ होते हैं उनमें बहुत सारे पक्षी अपने बच्चे रखते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पालते हैं। तो आओ अब आगे चलते हैं।